देने वाला कहाँ तक होगा? ये ऐसे ही होगा, 3 साल खिलाया है, क्या बचता है? दाम चल रहा है 30-32 के, 60 तक देंगे। 60 तक दे दोगे? और ये जो खड़ा हुआ सुनो, ये वाला खान, हाँ भाई, तुम सिंधियों को खान कैसे बोल लो, ये बताओ खान कैसे होगा? फाइनल है 35,000 सर। 35 फाइनल है? अच्छा ये बताइए, 40,000 40 फाइनल बिक गया इधर, 40 महीने वो खर्चा बर्चा निकाल के फिर ये हमारे को 5 रुपया बचेगा। 2 लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है, 1,80,000 का भी है। हमारा डराव साई अटैक हो जाएगा, बकरा बेचना है क्या बेचना है यहाँ कराची में? वो हालत ये गायें भी होगी बकरी भी होगी, इतना खा लेते हैं पेट फूल जाता है, क्या वजह है? पैसे नहीं खाते हम दिनों में, ये 1,200 का आपको 250 कितने का मिला आपके वहाँ? गांव में हमारा 300 का मिलता है, 250-300 का ही। यहाँ 1,200 मिल रहा है, ये इसका बोलते हैं 30,000-35,000, पीछे से इतना का लिया नहीं है इधर। हजरात सबको मैं कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुरैश हाजिर एक नई वीडियो के साथ भैंस कॉलोनी बकरा मंडी के अंदर। और ये भैंस कॉलोनी की बकरा मंडी अभी आबाद हुई है जी, सारे खैरपुर सिंध के आए हुए हैं व्यापारी, तो इनके हम आपको रेट लेते हैं, अपडेट करते हैं, दानों का शो कराते हैं, तो देखते हैं किस दाम पर चलें। तो गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो का आगाज़ करते हैं लगे बाबा के। अच्छा भाई व्यूअर्स, हम इस वक्त भैंस कॉलोनी के अंदर जो एक बकरों की मंडी लगाई हुई है पीछे, तो यहाँ सिंध के व्यापारी आए हुए हैं, कुछ रेट आपको अपडेट कर देते हैं हम आपको। तो ये हमारे पास साथ बैठे हुए हैं झंडा, झंडा खान। भाई तुम सिंधियों को खान कैसे बोल लो, ये बताओ खान कैसे हो गए? खान ये सिंध की सकाफत, सिंध की, सिंध की खाने वहाँ से। अच्छा ये बताओ ये दांतों में क्या, ये मुंडा जो खड़ा हुआ है ये मुंडा है, 4 है। 4 है, इसकी क्या माल, क्या मांग क्या रहा है इसका? इसकी 85,000। 85,000 रुपये देने वाला बताओ बिल्कुल फाइनल, कहाँ तक आप छोड़ेंगे इसको? ये छोड़ेंगे बस 80 में। 80 में? जुमा खान भाई ये बताए कितने दिन से आप यहाँ पे हो मौजूद? ये मांगते हैं 30,000-35,000 कराची वाले, 30,000-35,000 में दियो बकरा, कहाँ से मिलेगा बकरा ये भाई, खर्चा है बहुत। नहीं फाइनल लुक कितना हो जाएगा आखिर, 80 के नीचे गुंजाइश है? गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं। कितने किलो में हो गई है, वजन क्या होगा इसका? वजन इसका हो जाएगा 40 किलो। थोड़ा इधर, 1 मिनट रुका, ये तो एक बार जानवर दिखा, झंडा खान ये बताएगा ये सब आंडू है सब आपके पास? आंडू है, खसी नहीं लाए? बड़े बड़े आंडू है इसके, बड़े बड़े आंडू से क्या करें, खसी लेके नहीं आए कुर्बानी के लिए यार, तो बड़े बड़े आंडू क्या करेगा क्या? बड़े आंडू एक, इसके क्या मांगे जमा खान? 60,000 रुपए। और देने वाला कहाँ तक करोगे, 55 बोलोगे? ये बस 8-8 में दूंगा। 8-8 में क्या मतलब? साठ में। कितना जानवर बेच चुके अभी तक, कब से आए आप लोग? बेचे ही नहीं। कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन हो गए यहाँ, तो असल में जो आप सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हैं 30,000 का मांगते करांची वाले, यहाँ लियारी में चले जाओ आप, कहीं भी जाओगे ना वहाँ 30,000-35,000 का मिलता है जानवर, वो महंगाई आजकल इतनी है इसके हिसाब से। ये सारे लोग कहाँ, ये सिंध के आए हैं? ये सब, ये सब वो माल भी यहाँ पर खड़ा हुआ सामने, वो भी आपको, ये वो किसका खड़ा हुआ कोने पे? किसका, इसका है ये? ये भी कहाँ से आए हैं भाई? ये सिंध से, सिंध से आए हैं। क्या नाम है भाई का? सुमर खान नाम है। सुमर भाई क्या हाल है, कहाँ से आए आप? जिला खैरपुर से आए। खैरपुर से आए जी। कितने लिया है जानवर? जानवर 20 जानवर है सर। 20 जानवर, कम से कम रेंज में कितने का, कम से कम दाम वाला? कम से कम हमारे पास 30,000 जैसा है। 30,000 जी सर। ये शुरू करें, ये कौन से जो खड़े हैं आपके पास, ये मुंडे जो छाल दे? हाँ इस मुंडो का 35,000 है। ये दांतों में कितने? ये 2-2 है। तो ये खस्सी है? खस्सी है सर। ब्लेड वाले हैं या पंच वाले हैं? ब्लेड वाले सर। फाइनल कितना लोगे इसका? फाइनल है 35,000 सर। 35 फाइनल है। अच्छा ये बताइए जो बड़े खड़े में हैं, एक एक मिनट आ जाएगा, 2 मिनट लगेंगे आपके से। नहीं ये बताइए ये दांतों में कितना है? ये दांतों में 4-4 है सर। दांतों में 4 है ये? जी जी। इसके क्या मांग रहे हैं? इसका 1.5 लाख मांग रहा है जोड़ी का। जोड़ी का 1.5 लाख रुपया जी। और फाइनल कितने में हो जाएगा ये? फाइनल 1,40,000 में हो जाएगा सर। 1,40,000 में जाएगा। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे आए हैं? हमारे को 3रा दिन है इधर सर। 3रा दिन है जी जी। तो कुछ जानवर बिका है आपका? जानवर नहीं बिका है अभी तक। क्या वजह क्या है? ये महंगाई की वजह से अभी तक जानवर नहीं बिके हैं। महंगाई तो असल में, नाम क्या बताया था आपने? सुमर खान। सुमर भाई मसला ये है,
कि देखिए कराची की वो हालत नहीं रही अभी जी, पूरी कमर टूटी इसकी महंगाई ने जी। और ये जहाँ भी मैं, हम तो खैर पूरा कराची बकरा मंडी भी करते हैं, हम बड़े जानवर भी करते हैं, जितने भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ कराची के अंदर जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं, पुराना जितने भी बाजार हैं या मंडियाँ हैं जी, बड़े से बड़ा जानवर 50-60 का मिल रहा है। और आज का पता है आपको कुर्बानी इतनी मुश्किल हो गई है, जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो बेचारे यही कर रहे हैं। अब ये बताएं, आप लोग जो दूर से आए, इनमें कुछ आप लोग ऐसा करें थोड़ा कम मार्जिन रख लें जी, ताकि आपका भी कम बन जाए। सही, टाइम कम है और अंदेशा ये है कि मंडियों में सन्नाटे हैं जी, मंडियों में माल भी कम है। आप देखिए, आप लोग की भी शिकायत दुरुस्त है कि महंगाई है और खर्चा बहुत है लाने का, खर्चा बहुत है। हकीकत बात है, पंजाब से सिंध से जो माल आया है उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से आप लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। अभी ये जनरल साहब ने, कर्नल साहब ने इधर 2000 बकरे का रुगो पीडी टैक्स लगा रखा है। एक बकरे का 2000। तो ये जो उसमें रियायत भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जगह वगैरह सब उसी की है, जगह उसकी है। पानी वगैरह दे रहे हैं? पानी वगैरह सुख सब का है, बिजली अच्छा। का है, पानी का है, हाँ, तकलीफ नहीं है हमको। हाँ, ये जंतर अभी 600 रुपया मण लेके आए। अच्छा, हाँ, और सिंध में क्या मिल रहा है? उधर 250-300 रुपया मण है। अच्छा, हाँ, अब देखिए विवाद बेचारे इन लोग का भी क्या करें, ये भी गांव से आए हुए हैं। और सारी आप पट्टी देखें, ये सारी एक नई पट्टी लगाई है जहाँ मवेशी मंडी लगती है उसके पीछे, और तकरीबन सिंध के लोग आए हुए हैं और 2000 रुपये पर ये जानवर के हिसाब से इधर दे रहे हैं, खूटा जो बोलते हैं ना, बड़ा एक खूटा लगाने का 2000 रुपये। अच्छा, और बाकी ये जो खड़ा हुआ है कितने दांतों में है? ये भी 2 दांत में है। इसकी क्या मांग रहे हैं? इसके 40,000 है। 40 फाइनल बिक गया इधर 40 में ही, वो खर्चा वर्चा निकाल के फिर ये हमारे को 5 रुपया बचेगा। अच्छा, हाँ, तो बड़ा मसला आप लोग के लिए गंभीर है। मसला क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ भी माल तो महंगा मिल रहा है, कोई सस्ता तो नहीं दे रहा है। सही बात है, सही बात है। हाँ, भाड़ा और ये वाले कितना जो खड़े हैं दो आपके पास? ये दो है, 1 लाख का है दोनों। 50-50,000 50-50 का देने वाला कहाँ तक करोगे? भला 10,000 रियायत करेगा, 90,000 हो जाए, 45 हो जाए। नंबर है कोई आपका? हाँ, नंबर है, हाँ, 301 87 85 और 600 नंबर 0301 59 5 ठीक है। जो जनाब माशाल्लाह और कुछ दिखाते हैं, बाकी जितना भी यहाँ मैंने देखा नया लगाया बाजार, तुम इधर आ गया हूँ, बाकी और जानवर दिखाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ रेट हैं, और रेट तो ज़्यादा है क्योंकि सिंध का माल आया हुआ है सारा। ये किससे खड़ा हुआ है? चलें बारह रोड दिखा देते हम आपको। क्या हाल है साई, खैरियत है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद मलुक। मलुक बाबा कहाँ से आए हैं आप? सिंध से आए हैं? कहाँ, खैरपुर के? आप भी जी, ये सारे खैरपुर के लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा माशाल्लाह कितने जानवर लिया है आप? 15-20 हैं। 15-20 जानवर हैं, हाँ। अच्छा, ये बताइए दांतों में क्या है? ये 6 होगा या 4 होगा, आपको पता नहीं कितना पक्का कितना दांतों में है ये? 6-4 होगा, 6 हो गया, 6 दांतों में। क्या माल, क्या मोल कर रहे हैं इसका? 85 जी। देने वाला कहाँ तक होगा ये? ऐसे ही होगा, 3 साल खिलाया है, क्या बचता है इसमें, खर्चा भी नहीं उठाता। अब देखो, बचने वाला वक्त तो चला गया, अब तो टाइम सबका ना टाइम पास हो रहा है, एक गरीब आदमी को कुर्बानी करना मुश्किल हो गया। आप देखो बाजारों में सन्नाटे हैं, गरीब आदमी, हर आदमी, गरीब अमीर परेशान है, अमीर तो गुजारा सबका ही है। दूर दूर से आप लोग, खर्चा बहुत ही पता लग रहा है, हमने सब मालूम की है, समझ में है। ये तकरीबन महल में मन के करीब होगा, ये मन के करीब होगा, ये नहीं जानवर बड़ा है ये। वैसे कहाँ तक आपने बनाए कि इतने फाइनल का कितना पैसे हैं? 80 तक फाइनल कर दोगे? और ये जो बराबर में खड़ा हुआ है, ये भी इसका ही जोड़ का है, ये भी इसी का है। अच्छा भाई, ये भी 80 तक दे देंगे ये। अच्छा, अब आप लोग जो कमेंट करेंगे कि रेट ज़्यादा, भाई मसला ये हम दिखाते हर जगह आपको कवर करके दिखा। ये जो छोटे खड़े हुए हैं, ये क्या, इनके क्या दाम चल रहे हैं छोटे वालों के? 32,000 रुपये। अच्छा भाई, ये है 30-32, ये दांतों में दो दो सब खस्सी हैं ये? हाँ हाँ, सब खस्सी हैं ये, खस्सी ये दांतों में। और ये सब जो पुट्ठा खड़े हुए हैं, ये क्या दाम चल रहा है ये? हाँ, 30-32 के, ये 30-32 के, साल का खर्चा। नहीं नहीं, आप लोग के भी सही बात है भाई, रोना धोना सब। अच्छा, ये जो खड़े हुए आ गई है,
ये वाला दो, ये सामने हाँ काला भी है, ये काला हो जोड़ी होगी 80 से ज़्यादा है, 80 से 40 40 में भाई ये हो जाएगा। ये भी नंबर है कोई आपके बेटा? सर नंबर नहीं है, बाकी और दिखा देते हैं भाई। ये इनकी पोजीशन है और बेचारे सारे गांव वाले आए हुए हैं, इनका भी रोना धोना चल रहा है कि महंगाई इतनी है और इतने पड़े आए हुए सारे सिंध के आए हुए हैं। तो चले और दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ बड़ा माल भी दिखा देता हूँ, कुछ नज़र आ रहा है हमें। उसका रेट पूछता हूँ क्या रेट चल रहे हैं उनके, जब छोटों के ये आलम है तो एक व्यापारी हमें यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, इनसे मालूम करते हैं हम। लेकिन मेरे तो ख्याल में यार यहाँ ही तो खड़े में या तो कसम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साईं, खैरियत है? क्या नाम है आपका? मेहरबान भाई, क्या कितने जानवर लिया है आप? 20। कहाँ से? खैरपुर से हैं आप भी? जी जी। तो कैसा भाई, खैरपुर से आगे एक साथ उठ गए हैं? अच्छा, ये बताइए सर दांतों में दो दो हैं ये? दो दांत हैं सबके, दो दो दांत हैं। अच्छा। ये बताइए कि इसका क्या मांग रहे हैं जो खड़ा भाई है? 65 मांग रहे हैं। देने वाला कहाँ तक आखिरी इरादा आपका फाइनल? 60 तक देने? 60 तक दे दोगे। और ये जो खड़ा हुआ सुन, ये वाला ये 85 का? 85 का ये? ये 80 में करोगे यकीन? हाँ। और ये जो खड़ा है मैं, ये दो? ये 85 सारे। अच्छा भाई, सब एक ही लाटके हैं ये? हाँ। और बड़ा जानवर है, घर के पले हुए जानवर है, देसी हैं सारे ये, ये आप चेक कर सकते हैं इनको। ये देखिए माशा, ये जो छोटा खड़ा हुआ है इसे क्या मांग रहे हैं छोटों के? कौन सा बाबा, वो छोटा? ये छोटे खड़े हैं दो दो तीन, 25। ये 25 दो दो दांतों में ये भी? हाँ दो दांत। अच्छा भाई, 25 के देखो ये रेंज में है माशाल्लाह, ये 25 के, ये छोटे हैं। और ये जो नागरा में खड़ा हुआ है ये मुंडा, ये क्या बीमार है ये? नहीं, निलाया इसको? निलाया इसको जी। ये क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 45 देने वाला बताओ उसके साई। 40 ठीक है। ये भी आपके खड़े हुए? ये भी आपके हैं? इनके क्या क्या मांग रहे हैं? कितने कितने ऐसे बता दे रहे हैं दादा, कितने दे? ये शुरू में खड़ा हुआ ये वाला जी, ये 35 का सही है। और ये वाला, ये फाइनल रेट है कोई गुंजाइश होगी इनमें? ये 60 का ये। और ये मुंडे में जो खड़ा हुआ है छोटा, कौन सा? ये वाला जी, ये 30 का है। ये 30 का हो जाएगा, ठीक है। नाम क्या आपका? एहसान। एहसान भाई माशाल्लाह, आप भी खैरपुर से आए होंगे। एहसान भाई यहाँ देख के हमें भी हो रहा है, जिस जगह आप रहें यहाँ तो कोई गाहक भी नहीं आ रहा होगा, और 3-4 दिन हो गए होंगे आपको आए हुए? दो दिन हो गए हैं आपको? दो दिन हो गए जी। ग्राहक आ रहे हैं कोई? जी ग्राहक आते हैं कोई? ग्राहक कम आते हैं यार, कम आते हैं। असल में जगह आपको कोने में दे दी है जी, ये आप लोग आगे होना चाहिए था। और 2000 रुपये एक बकरे का ले रहे हैं इसका? ये पूरा 2000 रुपये का ले रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर के लिए लेके आए हैं, लेकिन किला ज़्यादा ले रहे हैं इसमें। किला 2000 तो बढ़ेगा, 5000 बढ़ेगा, चला 2000 बकरे का ले रहे हैं ये, जिसमें पानी वगैरह दे रहे हैं आपको ये? जी पानी, बिजली, पानी बिजली दे रहे हैं। नंबर है कोई आपका भाई का? मोबाइल नंबर हाँ बताइएगा। 0340-330-94-64 ठीक है जी। अब इनके नंबर, अच्छा जनाब फिर ये आपको बता दूँ, ये सारा जिस तरफ आएंगे मवेशी मंडी बड़ी लगी, उसके पीछे साइड के ऊपर एक बाजार बना दिया पूरे, ये छोटे जानवर होगा सारे बकरे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इनके। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। बाकी हम आपको एक आध और दिखा देते हैं, फिर दूसरी आपको भी विजिट पे लेके चलते हैं आपको। अच्छा अभी बताऊँ, शब्बीर अहमद व्यापारी, ये भी खैरपुर सिंध से आए हैं, इनसे पूछने के बाद कुछ जानवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से? खैरपुर से। कितने लिया है जानवर? जानवर लेके आए 200। 200 कम से कम, कितनी कीमत वाला आपके पास है? 2 लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है, 1,80,000 का भी है। मत डराओ साईं, अटैक हो जाएगा। बकरा बेच रहा है क्या? बेचना है यहाँ कराची में, वो हालत नहीं रहे यो, वो हालात तो 30,000 का हम लिख के भेजते हैं तो लोग फोन करते हैं ये कहाँ मिल रहा है बकरा। हाँ वो फोटो निकाल के ले आते हैं, हमारे दोस्त ने ये लिया है। अच्छा, और हमें भी बोलते हैं हमें भी इतने में दे दो, भाई तेरे दोस्त ने ले लिया तो हम कहाँ से ले आए इतना। चल आप बताओ बड़े बकरे कितने वाले हैं? हटना भाई ये दिखाओ, हटना, ये बकरा है, ये बकरा अपना सामने दो, ये थोड़ी है बकरा है तो इंसान है, तो ये पर मैं तो इंसान ही हूँ। तो सामने दो बेटा जानी, माशाल्लाह कितने दांतों में है ये? 4 दांतों में, दांतों में ये 4 है माशाल्लाह। अभी झालर वगैरह अच्छी है इसकी, और काफ़ी बड़े कद काट के अंदर है। सामने तो हट जाओ जान, उधर खड़े हो जाओ, इधर दिखाओ, पूरा दिखाओ इसको, इधर घुमाओ। क्या मोल कर रहे हैं इसका? इसका 2 लाख मांग रहा हूँ। 2 लाख देने वाला बता दो अब इसका फाइनल? 180 का दूंगा बस। 180 और गुंजाइश नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा और बताइएगा ये कितना, ये किसका है? ये भाई अच्छा ये बताओ खड़ा हुआ ये किसका खड़ा हुआ? ये
ये क्या क्या हुआ इसका भाई, क्या भराई की हुई है तो क्या ये पेट भरे में या इतना खाना पिए? नहीं नहीं, ये बकरा ईद के अंदर आकर ये गायें भी होगी बकरी भी होगी इतना खा लेते पेट फूल जाता है, क्या वजह है? पैसे नहीं खाते आम दिनों में? ये आम दिनों में नहीं खाते, ये पैसे ही खाते हैं, नहीं इतने। देखिए हम भी इसी के एहसास से आप लोग का पैसा भी बहुत लग रहा है, मेहनत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं ये 1200 रुपया का एक मन मिलता है। और आपको कितने? 250 का? 250 में कितने में? वहाँ 250 में हमारे इधर कौन दे रहा है 1200 का? दे नहीं, यहाँ 1200 का आपको 250 कितने का मिला आपके वहाँ? गांव में हमारा 300 का मिलता है, 250-300 का ही। यहाँ 1200 मिल रहा है, 1200 का मिल रहा है। तो देखिए विवश बेचारे, ये सब इन लोग की चीखें निकल गई हैं महंगाई से, अब सब आए हैं ये लोग। घास की नहीं है, बकरे की भी है। 2000 रुपए किले के ले रहे हैं, 2000 यहाँ के किले के ले रहे हैं। ठीक है जनाब, क्या कर सकते हैं जी, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। मांगने वाले आते हैं, इसका बोलते हैं 30,000-35,000, पीछे से इतना का लिया नहीं है इधर। हजरात सबको मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना आप लोग की शिकायत सही है, लेकिन वजह बता दूं मैं आपको, जो कराची के हालात के पूरे दुनिया के हालात इस वक्त ख़राब है महंगाई से ना। अब हर आदमी ये सोचता है भाई आसान कुर्बानी हो जाए, छोटे जानवर से हो जाए। अब यहाँ जैसे देखिए हम दिखाते हैं, लियारी जाते हैं हम लोग, लियारी अंदर है काफ़ी मंडियाँ हैं, नेवल की मंडी है हमारी भैंस कॉलोनी पीछे, 30-35,000 जानवर मिल जाता है। और हम भी जानते हैं वो जानवर को क्या करते हैं, वो बाल काटते हैं जंगली जानवरों को जो ने बिकते रहते हैं वो। नहीं ये तो जानवर भी अच्छे नहीं, तो गगे पहले इनका क्या मांग रहे हो? इसका मांग रहे हैं 70,000। देने वाला क्या होगा इसका? फाइनल देखिए ऐसे रेट रख लीजिए आप लोग। अब ऐसा करें देखो, नहीं नहीं अब एक काम करो, रेट ऐसे बता दो, वीडियो को देख के लोग आते हैं कि कहाँ पे माल सही है, अच्छा माल आया हुआ, शौकीन है यहाँ पे। कितना होगा देखो? ये 60 में फाइनल हो जाएगा। 60 में हो जाएगा फाइनल? 60 में हो जाएगा। देखिए आप लोग भी माशाल्लाह दूर से आए हैं, कुछ कम से कम कमा के, नहीं तो गंवा के भी ना जाओ। अब नसीहत ले लो, कोशिश ये करें दाम निकल जाए, नियत अच्छी करके बैठेंगे, अल्लाह आप लोगों की मदद करेगा। बस अल्लाह के ऊपर भरोसा है, बाकी बंदों के ऊपर तो नहीं है, अल्लाह देगा रोजी। ठीक है, नंबर है आप लोगों का किसी? टेलीफोन नंबर है 0307-72-13-025। नाम क्या है? अजीजुल्ला। अच्छा व्यूअर दिखा दिया आपको पूरा ये सिंध का हमें, और बेचारा पट्टी दी हुई है भैंस कॉलोनी के बैक साइड के ऊपर ये बैठे हुए हैं, और यहाँ ग्राहकों का इतना रुझान भी नहीं है, और इनको अखराजात भी काफ़ी पड़े हैं। तो इधर आप लोग आए इंशाल्लाह माल सारा अच्छा है। देखिए बार्गिन करेंगे तो माल अपना, जब इनसे बार्गिन करेंगे तो सौदा बन जाएगा, क्योंकि आएंगे तो काम बनेगा, बैठ के या वीडियो पर देख के काम नहीं बनता है। आप लोग आए, आपने सबकी बातें सुनी, और कुरेशी कोशिश होती है कि भाई नई नई जगह जाके आप लोग को दिखाए, पुरानी मार्केट सब कवर करते हैं, तो काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी के अंदर यहाँ माल मौजूद है। देखिए ज़्यादा माल है, और देखिए ये तकरीबन ऐसे बकरे नज़र नहीं आ रहे मुझे, सारी अच्छी नस्ल के बकरे नज़र आए मुझे जितने देखेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं सब चीज़ होगी। एक और भाई साहब वज़ीर अली हमारे व्यापारी माशाल्लाह, ये भी सिंध के खैरपुर के। सलाम वालेकुम साई, क्या हाल है? खैर है बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। ये दांतों में कितना है? ये दांतों में 4 है। दांतों में क्या मांग रहे हो इसका? 90 मांग रहे हो? देने वाला बता दो बिल्कुल, ताकि लोग आए आपके पास देख के भी वीडियो को। हैं गुंजाइश कितनी बना दोगे इसमें? फाइनल बिल्कुल 70 में हो जाएगा। अच्छा भाई ये समझ में आ रही है चीज़, देखो 70 में माशाल्लाह। गुलाबी के अंदर है ये, गुलाबी के अंदर है, खसी है, मशीन वाला है भाई। अच्छा ये जो दूसरा खड़ा हुआ है ये दिखाइएगा, यही दाम है एक। अच्छा ये भी यही दाम है, 70 में ये भी हो जाएगा। ये भी आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह, ये 70 में हो जाएगा, ये भी देखें। और ये मुंडे बैठा हुआ, मुंडा जो बैठा हुआ ये हैं, ये 80 का है। ये फाइनल कहाँ तक आ जाएगा? आखिर इसका 80 है? 80 ज़्यादा है? बकरा का अच्छा है, बकरा तो अच्छा है। असल में हालात के जैसे कराची वाले के हिसाब से, अच्छी जो नीचे बैठा हुआ ये नागरा कलर में, ये हाँ ये भी 80 का है। ये भी इसको उठाना ज़रा। अच्छा ये भी 80 का है। ये देखो जी माशाल्लाह, ये गुलाबी नसल में नागरा कलर में खसी हुआ है माशाल्लाह, अच्छी हाइट के अंदर नकोड़ वगैरह देख लो माशाल्लाह, झालर वगैरह आई है, अच्छा सीना इसका बना हुआ है। आपको कोई नंबर है? फ़ोन नंबर नहीं है? नंबर नहीं है तो ठीक है, भी आपको दिखा दिया माशाल्लाह, जितने जानवर मौजूद हैं
तो मुझे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो आई कीजिएगा अपने कमेंट में। भाई देखिए हमारा मकसद है आपको दिखाना कि किस जगह पे जानवर आए हुए हैं कराची में, छोटा बड़ा जानवर। सिर्फ हम रेट अपडेट कर देते हैं, अब महंगाई के हिसाब से तो रेट तो दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे, हर मंडी के अलग अलग रेट होंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ इन दुआओं के साथ कि अपना, अपने घर वालों का और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने शौक को जारी रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।